हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक गॉर्जियस तीज मेकअप लुक। तो ये लुक मैं कैसे क्रिएट करती हूँ ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैंने मेरे स्किन को पहले ही मॉइस्चराइज कर लिया था और लिप बाम भी मैंने पहले ही लगा लिया था। अब मैं प्राइमर लगा रही हूँ और ये है कलर बार परफेक्ट मैच प्राइमर। मैं दो फाउंडेशन मिक्स करके अप्लाई करूँगी। एक है पैक HD फाउंडेशन इन द शेड 1.6 जो कि मेरे स्किन टोन से लाइटर है, और एक है मेबलिन 24 आवर सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन इन द शेड 334 वार्म सन जो कि मेरे स्किन टोन से डार्कर है। आई एम अप्लाइंग द फाउंडेशन ऑल ओवर माई फेस एंड नेक विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट टॉप ब्रश। Now I'm using a damp beauty blender to blend out my foundation nicely. ये beauty blender बहुत ही soft है, इसको मैंने local market से ख़रीदा है। I'm applying LA Girl Pro Conceal HD Concealer in the shade Creamy Beige. ये concealer मैं apply कर रही हूँ अपने eyelid पे, अपने under eye area पे, फोरहेड, ब्रिज ऑफ माई नोज, क्यूपिड बो और अपने चिन पे। नाउ आई एम यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड आउट द कंसीलर। कंसीलर और फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर। जहाँ जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पर मैं ये पाउडर अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए बेक करूँगी, उसके बाद मैं ये पाउडर डस्ट ऑफ कर दूँगी। ये पाउडर मैं अपने स्माइल लाइन पे भी लगाऊँगी क्योंकि मेरे स्माइल लाइन पे बहुत ही जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं। मेरा फाउंडेशन और कंसीलर सेट हो गया है। नाउ आई विल यूज़ द ब्लैक शेड फ्रॉम द न्यूड्स पैलेट बाय मेबलिन टू फिल माय आईब्रोज। अब मैं मेकअप रिवोल्यूशन का सोफ एक्स एक्स्ट्रा स्पाइस आई शेडो पैलेट से ये डार्क ऑरेंज वाला शेड ले रही हूँ। इस शेड का नाम है स्वीट एंड सोर। एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इस ऑरेंज शेड को अपने आउटर कॉर्नर से लेकर अपने पूरे क्रीज और क्रीज से थोड़ा ऊपर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एक परफेक्ट आई लुक अचीव करने के लिए आई शेडो को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
Now I'm taking this reddish shade from the same eyeshadow palette and the name of the shade is 21. इस शेड को मैं अपने आउटर वी पे और अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी. इसको क्रीज से ऊपर नहीं ले जाऊँगी, इसको सिर्फ क्रीज पर ही रखूँगी. आज के आई लुक को क्रिएट करने के लिए मैं एक ही आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. मुझे ये आई शेडो पैलेट पर्सनली बहुत पसंद है. ऑल द शेड्स फ्रॉम द पैलेट आर रियली वेरी पिगमेंटेड. अब मैं एक स्मॉल ब्रश पे ऑरेंज शेड लेके अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ और इसके बाद मैं एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी. अब मैं रेड वाला शेड ले रही हूँ और इसको मैं अपने लोअर लैश लाइन के आउटर हाफ में अप्लाई कर रही हूँ. अब मैं इस डार्क मरूनी शेड को ले रही हूँ, इसको मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी और इस शेड का नाम है एनचेंटेड. Now I'm taking the same shade and applying it on the outer half of my lower lash line with the help of a small brush. मैं इस शेड को अपने आउटर वी पे थोड़ा और अप्लाई कर रही हूँ. अब मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज को और एक बार ब्लेंड आउट कर लूँगी अच्छे से, ताकि सभी कलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए और कोई भी हार्श लाइन ना दिखे. नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्यूटीफुल गोल्डन शेड, इट इज़ कॉल्ड लास्ट सन. इस शेड को मैं अपने लिड पर अप्लाई करूँगी. मैं इस गोल्डन शेड को अब अपने लोअर लैश लाइन के इनर हाफ में अप्लाई कर रही हूँ. अब मैं ये डार्क गोल्डन शेड ले रही हूँ, इस शेड का नाम है ड्रीम्स और इसको मैं अप्लाई करूँगी इन बिटवीन द टू शेड्स, विच इज़ द डार्क मरूनी शेड एंड द गोल्डन शेड विच आई अप्लाइड ऑन माई लीड, ताकि इन दोनों कलर के बीच कोई भी लाइन्स ना दिखे और ये दोनों कलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए. I'm blending my crease one more time with the help of a clean blending brush. अब मैं एक big fluffy brush के help से अपने under eye area को एक बार clean कर लूँगी. अब मैं ये rose gold type का shade ले रही हूँ, the shade is called everyday. इस shade से मैं अपने brow bone और inner corner of my eyes highlight करूँगी. अब मैं लगा रही हूँ आईलाइनर और ये है नायका का ब्लैक मैजिक वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर.
मैं मेबलिन का कोलोसल काजल लगा रही हूँ और इस काजल को मैं अपने लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन दोनों में अप्लाई करूँगी। नाउ आई एम अप्लाइंग मेबलिन हाइपर कर्ल इजी वश मस्कारा। इसको मैं अपने अपर लेश और लोअर लेश दोनों में अप्लाई कर रही हूँ और मस्कारा लगाने के बाद मैं फॉल्स लैश लगाऊंगी और फॉल्स लैश मैं ऑफ कैमरा ही लगाऊंगी क्योंकि फॉल्स लैश लगाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। माई आई मेकअप इज़ कम्प्लीट, नाउ इट्स टाइम टू कॉन्टूर। कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रीडम प्रो कॉन्टोर किट इन द शेड 02 मीडियम। ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का मास्टर ब्लश पैलेट और इस पैलेट से मैं ये पीची शेड अप्लाई करूँगी। अब मैं इस सेम पैलेट से ये हाइलाइटर यूज़ करूँगी मेरे फेस को हाइलाइट करने के लिए। आई एम हाइलाइटिंग माई चेक बोन, द ब्रिज ऑफ माई नोज, माई क्यूपिड बो, चिन एंड माई फॉरहेड। टू सेट माई मेकअप आई एम यूजिंग फेसेस कैनेडा अल्टीम प्रो मेकअप फिक्सर। अब मैं एक रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ और ये है मैट मेकअप लिपस्टिक। अब मैं अपना आउटफिट और ज्वेलरी पहन के आती हूँ। सो ये है मेरा फाइनल लुक और मेरा हेयर स्टाइल किया है मेरी फ्रेंड पूजा ने। सो थैंक यू पूजा फॉर द हेयर स्टाइल। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।